की खिड़की खोल, बेबी लव की बातें बोल, आजा चल ले रॉक एंड रोल टुगेदर। जकरिया कुसुम की लव स्टोरी, जकरिया कुसुम की लव स्टोरी। क्यों ना एक बात मैं आपसे बोलूं, अगर आपको आपसे मेरे को क्या है चक्कू का वो दिन जल्दी चक्कू के इस वास्ते आप मेरे को 500 रुपए दे दीजिए और अपने सुहाग को मजबूर कीजिए। माना कि मैं बहुत हल्का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को इतना हल्का नहीं लेने का क्या है? इब्राहिम डाडा नहीं बनेगा तू? ए भाई होश तो तेरे उस वक्त खुलेंगे उड़ेंगे। हाँ। बन गया। हाँ सर। थोड़ा देर हो गया। ए चरिया मिठास के, ए चरिया मीठा करने के लिए मिठास डाल। हजी भाई अस्सलाम वालेकुम। हजी भाई मैं बैंक तक जा रहा, आपको कहाँ जाना है? मुर्दा घर। पापा मैं सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के नहीं चलूंगा, आपको मुझे नया जूता दिलाना पड़ेगा। पप्पू के स्कूल का जूता खराब हो गया है, वो लेके आना है, इसलिए 500 रुपए अपने शोर को दीजिए और अपना मुझे मशकूर बनाइए। शुक्रिया। इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए मौजूद है। मिर्जा मौला 5 लाख वो भी चक्कू के अकाउंट में? ये लो 100 रुपए तेरे लिए। क्या बप्पू ये क्या कर रहा है तू? पप्पा मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ब्रेक डांस की है? अरे नहीं पप्पा, वो मेरे स्कूल का जूता पड़ी है ना, तो उसको पहनकर चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शाबाश मेरे लाल, शाबाश, इधर आ जा। तेरी इस छोटी सी प्रैक्टिस की वजह से ना तेरे पप्पा के 500-600 बच जाएंगे, शाबाश। वाह पप्पा वाह, आपको अपने रोकड़े की फिक्र है और वो जो थोड़े दिन में मैं लंगड़ा हो जाऊँ उसकी नहीं। उसका भी मैंने एक जुगाड़ सोच लिया है। वो क्या? ए मैं क्या सोच रहा हूँ, कुछ दिनों में तेरे स्कूल की वैन भी निकाल दूंगा। मतलब कि मैं पैदल जाऊंगा स्कूल? ए पागल हो गया क्या तू? जब ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलने की तेरे को पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर मैं तेरे को बस में भेजूंगा। तू जब उधर लंगड़ा लंगड़ा के चलेगा ना, तो कंडक्टर कभी ना तेरे से किराया भी नहीं लेगा। पापा आपने रोकड़ा बचाने के चक्कर में मुझे फकीर बना दिया, बोले तो एक प्याला लेके फिर जाऊं और सफर के साथ साथ कमाई भी हो जाएगी। शाबाश मेरे लाल, शाबाश, ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। पापा सब पैसा कमाने की नहीं, बल्कि मेरा जूता सिलवाने की सोच है, और बल्कि मुझे नया जूता दिला दे। मिर्जा मौला यार खर्चे की बात मत करना, मेरे से समझा तो तू। पापा मैं सारी जिंदगी लंगड़ा लंगड़ा के नहीं चलूंगा, आपको मुझे नया जूता दिलाना पड़ेगा। अभी अभी काम शुरू हुआ भी नहीं, नहीं तूने खर्चे की बात कर ली। मैं किधर जा रहा था, मैं इधर आया ही क्यों तेरे पास? मिर्जा मौला मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? पता नहीं स्कूल से कब जान छूटेगी। 27, 28, 19 तो नहीं, मनुष्री किधर है? गई अपने बर्ची खाने के मिशन में फोड़ने के लिए कुछ। माँ क्या बात है चक्कू, तेरी आवाज में बड़ी परेशानी सी है। ए, माँ बस क्या बताऊँ अभी मैं आपको। रहने दे मैं जा रही हूँ। ए माँ नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप पप्पू से कितनी मोहब्बत करती हो माँ। बहुत जस्तिया। तो माँ आप क्या चाहती हो कि पप्पू ऐसे 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 चले? ए मिन्ना मोला अल्लाह नहीं करे भाई। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहती हो जल्दी से 500 रुपए निकाल लो। 500 रुपए? ए माँ इतने कोई 500 रुपए नहीं है। हाँ। सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए से क्या पप्पू लंगड़ाना छोड़ देगा या मेरे को नजर आना छूट जाएगा? नहीं माँ, 500 रुपए से पप्पू के स्कूल का नवा जूता आ जाएगा। ये बोलना पप्पू का पाँव नहीं खराब, उसका जूता खराब है। बिल्कुल सही पहचाना माँ आपने। अच्छा तो फिर 500 रुपए? 500 रुपए मैं तेरे को देती हूँ अगर मैं तेरे को मुफ्त में पॉकेट में 2 जोड़ी जूती दे दूँ तो। है माँ? है ना। तो देख का मैं देरी कैसी, दो ना माँ। दो मिनट, ये जूता तो थोड़ा बड़ा होगा ना माँ। काट के 2 बना लेना मनुष्य, दफा हो जाए यहाँ से। जब जूता पहना नहीं सकते स्कूल क्यों भेजते हो? नंगे पाँव फिरूंगी ये चाहते भी है। जख्मी कर दिया मेरी माँ ने मेरे को।
आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जगह पर हैं, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। गिन 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 धा। ए छोकरा खर्चे की बात करता है और तू चर्चों की बात करता है, मनुष्य लानत है। ए मीन क्या मोला, ये फिर खर्चा? मैं जकरिया को इतना कमीना नहीं समझता था हूँ। मैं तो समझती हूँ ना, क्योंकि वो तेरी औलाद है। क्या जुबी, तूने मेरे को कमीना बोला? मैंने तेरे को थोड़े बोला, मैंने तो जक्कू को कमीना बोला। मैं तो तेरे को खुशखबरी सुनाने आया था, तूने तो मेरे को नाराज करना था। खुशखबरी और तू मेरे को सुनाएगा? ए जुब्बी, मैं हल्का हूँ लेकिन फिर भी मेरे को इतना हल्का नहीं लेने का। ए सुलेमान बन, इब्राहिम डाडा नहीं बन। अच्छा ये बता ना, खुशखबरी क्या है? ए जुब्बी, अगर मैं तेरे को एक बात बताऊं, एक ग्रैंड दावत है जिसमें दुनिया भर के खाने खाने को मिलेंगे, तो फिर ये मिंजा मोला दुनिया जहान के। पर रोकड़ा कितना लगेगा? ये एंट्री बिल्कुल फ्री, एक तो खुशखबरी है। हाँ क्या फ्री? कब जाना, किधर को जाने? सारे लोग जा रहे हैं लेकिन जुबी तू नहीं जा सकती। हाँ काय को? बस खाली तेरी जीत की वजह से, जीत करती है ना, जीत की वजह से। मैंने कब जीत की? ये जो दावत हो रही है ना, इसमें खाली फैमिली को आने की इजाजत है। कोई बात नहीं, तू फिकर ना कर, मेरे को तारीख और जगह बता। आई एम कमीनी। पक्का? पक्का पक्का। ओके तो फिर कल तू आ रही है ना ऊपर? ए मनुष्य के बच्चे, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं अपनी जूती पार्सल करके तेरे को भेजूंगी। ए जुबी के बच्ची, दाल दाल कच्ची, दाल में मसाला, जुबी का मुंह काला। ए मिंजा मोला, खाने के चक्कर में मेरे को ऊपर बुलाना चाहते? मैं किधर जाऊं, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं। सोना मेरा, सोना जक, मेरा जक। सोना, अगर आपसे इसी वक्त यानी अभी के अभी एक प्रॉब्लम्स का सलूशन लेना हो तो देगी? हाँ हमेशा बस मांग दे रहिएगा, कभी कुछ दीजिएगा नहीं। ए भाई अभी तो मैंने बात भी शुरू नहीं की, आपने मूड खराब करना शुरू कर दिया। ओके अच्छा कुलसुम साहब, आप मेरे को ये बताइए कि एक तरफ अपन को 3000 का लॉस हो रहा और दूसरी तरफ सिर्फ 500 रुपए का, तो अपन को क्या करना चाहिए? पहले आप मेरे को ये बताएं कि ये लॉस हो काय को रहे? ए नहीं भाई, आप मेरे को ये बताइए कौन सा वाला लॉस बर्दाश्त करना चाहिए? जाहिर है 500 वाला। वेरी गुड, आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती जुलती है, ये लॉस आपको बर्दाश्त करना है। ए मिंजा मोला, मेरा 500 रुपए का लॉस, लेकिन वाई? वो ऐसे के पप्पू के स्कूल का जूता खराब हो गया है, वो लेके आना है, इसलिए 500 रुपए अपने शोर को दीजिए और अपना मुझे मशकूर बनाइए। शुक्रिया। ओके मेरी औलादे, मैं अपने पप्पू के लिए 500 रुपया खर्च कर दूंगी। है तो फिर जल्दी से निकालिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन ली। जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। ये पप्पू के जूतों का रोकड़ा, वो तो मैं आपको बाद में दे दूंगी, उससे पहले आपको मेरा मशवरा देने का नकद 1000 रुपया फीस देनी पड़ेगी। मिंजा बोला, पूरा 1000? चलिए एक और ऑफर दिए, पूरा 50% डिस्काउंट। बोलो बोलो फिर जल्दी बोलो। आप ऐसा करेंगे, पूरे 1000 रुपए में से ना आप पप्पू के जूतों के 500 रुपया काट दे, बाकी से 500 रह जाते वो आप मेरे को दे दें, कैसा? मेरे को माफ कीजिए, ने अपना मसौरा और अपना बिल अपने पास रखिए, मैं मोची से 20 रुपए में जूता सिलवा लूंगा। मैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में था 500 का, आप मेरे को लॉस कर रही हो। सबको सुनानी, दिल थाम के बैठो ना कर मनमानी। एक मिनट, समझ आ गया मुझे समझ। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गया? यही के क्लास में मेरी इज्जत क्यों नहीं है? लो भाई, ये कौन सा मुश्किल सवाल है तुम्हारी हरकतों की वजह से। सब यही समझते हैं, लेकिन असल वजह कुछ और है। पप्पू टाइम जाया मत करो, बात बताओ। असल वजह ये है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो फिर तुमने इस प्रॉब्लम का क्या हल ढूंढा? हल तो सीधा सीधा है कि मैं स्कूल ही ना जाऊँ। तो इससे स्कूल वालों को क्या फर्क पड़ेगा? जब क्लास में कोई डेस्क पर खड़ा करने के लिए मिलेगा ही नहीं, जब इनको मेरी कदर आएगी, मेरी पप्पू की। और जब पप्पा तुम्हें स्कूल ना जाने पर मुर्गा बनाएंगे ना, जब तुम्हें स्कूल की कदर आएगी। तुम चुप करो, तुम चुप करो, तुम चुप करो, तुम चुप करो। मुर्गा तो ये रोज बनता है, मजा तो तब आएगा।
Oh my God, शुक्र है कि किसी एपिसोड में कोई कुछ देने के लिए भी आया, नहीं तो ना हर एपिसोड में कोई ना कोई कुछ लेके ही जाता है जी भाई जान। ये बैंक ने कागज भिजवाया। अच्छा, ये आप यहाँ साइन कर दीजिए। तो सिर्फ कागज भिजवाया या इसमें कोई रोकड़ा वोकड़ा भी है? इसमें आपके पैसों का हिसाब है। पर मेरा तो कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं। घर में कोई साहब रहते हैं? Yes. तो बस ये उन्हीं के पैसों का हिसाब है। जरा इसको खोल के देख के बता, ये बैंक में मेरे हस्बैंड से कितना सारा पैसा है। ज्यादा नहीं है मैडम। मेरे को पता था मेरे को सास जो है वो मेरे शोर को कंगाल करके छोड़ेगी। अरे मैडम ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। पक्का 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 पक्का। ओह माय गॉड, बैंक में 5 लाख रुपए पड़ेंगे। मेरा शोर मेरे से सुबह 500 रुपए के लिए लड़ रहा था। तो चल अंदर। मैडम मेरी ड्यूटी सिर्फ बाहर तक की है। तेरी ड्यूटी बाहर तक की है? वेरी गुड वेरी गुड। जब किसी को बुलाते कोई यहाँ आता नहीं है, और जिसको नहीं बुला वो यार रोजाना आ जाता है। अब तू चल अंदर। आइए आइए आइए। जाकू सासू माँ। आ रहा हूँ। देखो ये कौन आया, साथ में क्या लाया? ये मेहमान आया हमारे घर में। मुझ पे एहसान करना, मेरा मेहमान कभी ना बनना। ये मेहमान नहीं, महान है, महान है। वो कैसे? वो ऐसे है कि अभी जो ये बम फोड़ने वाला है ना, उससे आपकी घर की दीवारें हिल जाएंगी। ए मिन्या मोला, हम तो तेरे से हिल गया आगे। तूने हमारा पूरा राशन फोड़ दिया, इतनी दहशतगर्दी फैलाई, ऊपर से दहशतगर्द को लेके हमारा घर बर्बाद करना चाहती है। हेलो आंटी, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। ए इन लोग की फालतू बातें छोड़ो, आप बताओ कि ये लिफाफे में क्या है? लिफाफा? ए कौन सा लिफाफा, कैसा लिफाफा? ये लिफाफा जो बैंक से आया है। हाँ बताना बताना, क्या लिखा है लिफाफे में? इसमें बैंक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए मौजूद हैं। ए मिन्या मोला, 5 लाख, वो भी चक्कू के अकाउंट में? ए भाई तू कह क्या रहा है, उसमें तो है ना कमीने। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा है ये कागज कह रहा है भाई। अभी जो कुछ भी कहना लिखना बताना है ना, वो अब मैं बताऊंगी। तेरा काम खत्म हो गया, फुट ले इधर से। कमाल है, इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो कुछ मीठा तो हो जाए। ए चल निकल यहाँ से बॉडी बिल्डर, खुशखबरी तो उस वक्त होती ना जब तू अकेले में मेरे को देखता। अरे जनाब इसमें क्या बड़ी बात है, मैं आपको अकेले में बता देता हूँ। तू क्या मेरे को बताएगा, मैं तेरे को बताता हूँ। इधर तो आ, बड़ी तूने बॉडी बनाई है। इधर आ, ए चल ए चल ए चल ए जा जा ए चल 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 ए ज्यादा जाम ही नहीं करा अभी, चल चल चल। कहाँ हो तुम, चले आओ खाने पुकारा है। आप बुलाए हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। सुलेमान तेरी जुलेखा के साथ दूसरी बार भी फ्रॉड हो गया ने। ये मिंजा मोला एक बात तो मेरे को बता, तेरे साथ पहली दफा फ्रॉड कब हुआ था? जब तू शादी बनाने बारात लेके आ गया था, जब भी। ये क्या बोल रही है तू, वो फ्रॉड तेरे साथ नहीं मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ। ए तेरे साथ कैसे फ्रॉड हो गया? फ्रॉड तो मेरे साथ हुआ है, फोटो दिखाया मेरे को बचपन का, अने डिलीवरी पे माल दिया 255 का, वो भी किलोग्राम में। ए मिंजा मोला मैं क्या करूं, शोर ने दिल में बुगज भरा हुआ और छोकरे ने नोटे भरी हुई है बैंकों में। ये मिंजा मोला, ये तोबा तोबा जुबी, ये जक्कू ने तेरे से छुपा के बैंक में रोकड़ा रखे लाए हैं? आनी पूरे 5 लाख। ये मिंजा मोला, जक्कू मेरा छोकरा है, उसको पता है छुपाऊंगा तो बचेगा, अने बचाऊंगा तो बटेगा। लानत है तेरे पे, जैसा बाप वैसे छोकरा। ए मेरे को खबर नहीं तेरे को दुख काय को है, काय को मुंह बना के बैठे लिए। अरे तेरा छोकरा अपना जक्कू लखपति हो गई है, लखपति। काय को, मेरे को तो ये दुख खाए जा रहा है कि सारा पैसा कलसुमड़ी खाएगी मुटकरी, वो भी बगैर डकार के। अगर मैं तेरे को ऐसा सलूशन बताऊं कि तेरा गम मिट जाए तो कैसा? मेरे को यकीन है, वैसे तू मेरे को अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, फिर भी तो मशवरा दे। एक मिनट। हाँ जब भी। हाँ यार।
जब तक ये रोकड़ा जक्कू के बैंक में पड़े रहे तेरे को तकलीफ देगा 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 बराबर है। तो फिर या तो रोकड़ा खत्म हो या फिर तेरी तकलीफ, जबी ये मामला हल हो सकता है। हाँ बिल्कुल बराबर है। देख जुबी, रोकड़ा खत्म करना तो थोड़ा लॉस होएगा, एक काम कर तू खत्म हो जा, जक्कू का भी घर आबाद हो जाएगा और मेरा भी ऊपर घर आबाद हो जाएगा। लानत है तेरी शक्ल पे, तेरे इरादों पे, तेरे दिमाग पे। ए लाख नखरे दिखा, सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन तू मेरे घर आना पड़ेगा। निन्नड़े 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 मिन्या मुल्ला किसे हिला रहे ले जिसम अपना, तेरे को जूते खा के जाना पड़ेगा। मिन्या मुल्ला मेरे को लग रहे ले कोई डांस की क्लासें ले रहे ले उधर। आज मुस्कुरा क्यों रहे हैं सब? आज ना बहुत अच्छे टाइम्स पे आए हैं। क्यों बाजी, आपके घर में जाली नोटों की गठी निकली है क्या? आज अपो लोग सब बहुत खुश है। अच्छा, तो इस खुशी में मेरा मुंह मीठा करवा ले। जरूर जरूर। गुड़िया, ए गुड़िया मेरी बच्ची, जरा अंकल्स को किचन से कोई मीठा मुंह करने वाली चीज लेकर आ जल्दी से। अयला, कहीं खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, मेरा दम निकल ना जाए, खुशी में मेरा दम निकल ना जाए। आजा आजा आजा, ये बाजी, ये तो चीनी है। तो मैं समझा था मिठाई लाएगी। ए चरिया, मीठा करने के लिए चीजों में मिठाई डालते या चीनी? चीनी डालते ना, मिठाई में भी तो चीनी डालते हैं मीठा करने के लिए, बोलो। हाँ, इस घर से तो जहर मिले भी मजदूर है, ये तो फिर भी चीनी है। बाजी, ऐसा करके खाने का वक्त हो गया है, जरा नमकीन में कुछ लेकर आए तो ये में जो मीठा खाया वो हजम हो जाएगा। क्यों नहीं अभी अभी। लेकिन खुदा के वास्ते सिर्फ नमक नहीं लाना, मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। तेरा आइडिया तो अच्छा है, पर तेरी बीमारी के चक्कर में जा तेरे को माफ किया। नहीं नहीं, माफी नहीं, कुछ खाने को दे दे। आप लोग ने तो आज खुशी में कुछ पकाया नहीं है। कैसे है शुभ लोग हो, लोग तो खुशी में देखे पकाते, तुम भूखे हो। छोटी बात कर दी तेरे अंकल ने, एकदम छोटी। फकीर है ना, फकीरों की आदत थोड़ी ना छूटेगी। ये लो 100 रुपए तेरे लिए। क्या क्या? ओ कम है कम है कम है, ऐसा कर ये 100 रुपए और पकड़, जा जाके मीठे के साथ नमकीन, नमकीन के साथ मीठा भी खा ले। चल चल चल। ज्यादा खुशी और ब्लड प्रेशर की वजह से मेरा असल में हार्ट फेल हो जाए। चल निकल बच्चों, असली नोट है। अब तू देखती जा, जक्कू के पास पैसा भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, और नवी बाड़ी लाएगा और तू खाने को तरसेगी। आप फिक्र मत करो, आप ये रिकॉर्डिंग पूरे 100 रुपए का नोट। साहब यकीन नहीं आ रहा है। मेरे को मालूम था मेरा छोकरा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये रहने दो माँ, मतलब की उल्टी करो ने। जक्कू मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी खिदमत करूँ, आपके पाँव दबाना चाह रही थी। Love story. वाह, जिस जज्बे से गेट खोला है इस जज्बे से जेब खोलते तो मजा आ जाता है। चले आज इस खुशी के मौके पे आपकी ये फरमाइश भी पूरी कर देते हैं। अल्लाह में क्या सुन रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं है। राजा तो मैं होश में नहीं हूँ या आप होश में नहीं है? ए भाई, तेरे होश तो उस वक्त उड़ेंगे जब मेरी जेब से कुछ निकलेंगे। क्या बम होगा क्या? ए भाई, रकम थोड़ी हो के ज्यादा हो, दोनों सूरत में धमाका मेरे लिए ही होता है। आप फिक्र मत करो, आप ये रिकॉर्डिंग पूरे 100 रुपए का नोट। साहब यकीन नहीं आ रहा है। क्या यकीन नहीं आ रहा भाई, कि मैंने आपको पैसे दिए? नहीं, इस नोट का असली होने पे। भाई जब भी मैं किसी को असली नोट देता हूँ तो उसको नकली लगता है, जब भी मैं किसी को नोट नहीं देता तो उसको वो बात असली लगती है। चक्कर क्या है? आप ऐसा करो,
मेरे पैसे मेरे को वापस। नहीं साहब मैंने देख लिया है असली है। नहीं नहीं मेरे को लग रहा है नकली है, इसमें मैंने ईद मुबारक लिखा हुआ है। नहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, असली है, बिल्कुल असली है। तो भाई आपको एक बात सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि आपकी औकात की तरह ना आपकी किस्मत भी एकदम खराब है। ये साहब देखे दिया हुआ माल वापस नहीं करती है। जो भाई हमने कहीं गेट पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ माल वापस नहीं होगा, चलो निकलो। तो फिर नाजरीन आज के सीन में आपने ये सीखा कि पैसे दे के वापस कैसे लेते हैं, ये है पैसे वापस लेने का सही तरीका। नाजरीन इसका तरीका आप नहीं अपनाना, गरीब को खैरात जरूर देना। ये तो साल के बाद 100 रुपया देता फिर भी वापस, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, अल्लाह के नाम पे दे दे भाई। Oh my God, वो दिन कब आएगा जब मैं इस कमरे से निकलूंगी और सासू माँ से नहीं टकराऊंगी। सुमड़ी वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब तू इस कमरे से तू नहीं चक्कू की नवी बाड़ी निकलेगी। ऐसी ऐसी होती है माए, छोकरा जरा सा पैसा कमाने लग जाते खर्चा करने के लिए। ऐसी बाड़ियाँ होती जो अपने सौरों को ऐसा सिखाती वो पैसे छुपाते फिरते। मेरे से नहीं पैसे छुपाते, आपकी डर की वजह से मेरे को बताते नहीं है। तेरी वजह से मेरा छोकरा गली गली हाथ फैलाता फिर। वो गली गली हाथ इसलिए फैला क्योंकि इसका खानदान ही मजबूरी है। सुमनी तुमने मेरे को फकीर नहीं बोला? आपको ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने ऐसा समझा, खैर ठीक ही समझा। अब तू देखती जा, जक्कू के पास पैसा भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, वो नवी बाड़ी लाएगा और तू खाने को तरसेगी। मैं नहीं तरसूंगी, आप तरसेंगी। पहले आपको एक बाड़ी से जात लेनी पड़ती थी, बहुत जल्द आपको दो दो बाड़ियों से जात लेनी पड़ेंगी। क्यों, ये मेरा घर है। तो घर संभाली, इन सब चीजों में मत पड़े, मेरे शोहर के पैसों पर नजर ना डाले। ऐसा कैसे होएगा, जब मेरा छोकरा है? वो मेरा हस्बैंड है, जैसा मैं कहूंगी वैसे ही करेगा। एक्सक्यूज मी, कल सुमड़ी जिस पैसे पे तू अकड़ रही है ना, वो सारा पैसा मैं खुद रख लूंगी। तू जलती कुटती रहना, तू सटती कुटती रहना। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से अपनी खाइश बताओ। अब बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे बताओ। मम्मा सिर्फ डेटा ही जमा करना या फिर कुछ मिलेगा भी? इस तरह बात करोगे ना तो कुछ मिले ना मिले मेरा जूता मिलेगा। तो मम्मा आप ऐसा करें, मुझे रिमोट से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर दिलवा दें। बरोबर बरोबर। गुड़िया आपको क्या चाहिए? मम्मा आप मुझे 3-4 अच्छे से सूटी दिला दे। बरोबर। गुड़िया तेरे लिए? मम्मा आप मुझे ना बड़ा सा कार दिलवा दे। और पप्पू साहब आपके लिए क्या फरमाएं? मम्मा मैं पहले प्रॉफिट वाली बताऊं या फिर लॉस वाली फॉर्म? ऐसा करो के लॉस वाली बताओ, क्या पता तेरा लॉस हमारे लिए प्रॉफिट साबित हो। तो फिर मम्मा मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ कि आप मुझे स्कूल छोड़वा दें, इसमें तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा, और लॉस? लॉस वाली फरमाइश ये है कि मेरा स्कूल का जूता बर्फ फट गया, तो आप मुझे नया दिला देंगे? जूता लेने में किसका लॉस है? आपसे ज्यादा तो मेरा लॉस है क्योंकि वो पहनकर मुझे स्कूल जाना होगा। पप्पू अगर आप स्कूल नहीं गए ना तो आपका जूता नहीं मेरा जूता पड़ेगा। नहीं बेटा राजू, आपसे अगर मैंने पूछो और आपने अपनी ख्वाहिश बताना शुरू की ना तो ये एपिसोड जी खत्म हो जाएगा, मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। एपिसोड ही खत्म हो ये अचानक मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, किसी को तो फोन करके जेलिस करना चाहिए। किसको फोन करें? एक ये शकील इधर था, पता नहीं किधर चला गया। अल्लाह करे खैर वो आफियत से जल्दी से आ जाए भाई, ताकि फिर उसके साथ सीन भी न हो, उसको जेलिस करें। इसको फोन करूं क्या? ए नहीं रहने दे, खामा का खर्चा बहुत हो जाएगा। ए जक्कू मेरा से ज्यादा मेरी माँ प्यारी माँ। जक्कू तू मेरे को बता, तू मेरे से कितनी मोहब्बत करता है? माँ इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे को मालूम था मेरा छोकरा मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। ये रहने दो माँ, मतलब की उल्टी करो ने। अच्छा तू ये बता, मेरी खातिर तू 25 रुपए का खर्ची कर सकता है? मम्मा
माँ वैसे तो हर किस्म का खर्चा करते हुए मेरे को बहुत डर लगता है, लेकिन चूंकि आप मेरी प्यारी माँ हो, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो ठीक है। पक्का? मैं दे दूंगा आपको 25 रुपए। पक्का 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 पक्का। अब फिर ऐसा कर के मेरे को ना 2 लाख का चेक लिख के दे दे। माँ अभी आप 25 रुपए बोल रही थी। भाई एक कागज जो चेक का होता है वो 25 रुपए का होता है। हाँ तो खाली चेक ले लो ना, उसके ऊपर पेमेंट क्यों लिखवा रहे हो? मेरा बेटा मेरा बहुत अच्छा, मेरे को पता था अपना ब्लैंक चेक मेरे को दे देगा। ठीक है माँ ठीक है, मैं अपना ब्लैंक चेक आपको दे देता हूँ माँ, साइन भी नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगी उसको? चेक तो चेक होता है, चाहे साइन होवे के ना होवे। थैंक यू वेरी मच, चला फिर बाय बाय। इस कमरे में मनहूस लोग रहते हैं, मैं सब समझती हूँ। मेरे छोकरे को सिखा सिखा के पागल कर दिया, दौलत आ जाती है तो बाड़ियां सिखा लेती है। माई किधर जाए? चाकू मेरा चाकू। कुसुम आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, प्लीज वेर से फ्री होने की जरूरत नहीं है। जकू मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी खिदमत करूं, आपके पाँव दबाना चाह रही थी। ये भाईडियां जो होती है ना, शादी के शुरू में अपने शोरों के पैर दबाती हैं, शादी के दरमियान में कमर दबाती हैं, ने शादी के आखिर में ना गला दबाती है। गला? इस खिदमत की वजह जान सकता हूँ मैं? नहीं सरताज, मेरा आज बहुत दिल कर रहा था आपकी खिदमत करने का। ठीक है फिर ठीक तरह से खिदमत कीजिए ना। आप हुकुम तो करें सरताज। तो फिर मेरा ऑर्डर जरा नोट्स तो कीजिएगा। आज खाने में चिकन बिरयानी ने बीफ कोरमा और मीठे में खीर टाइप की कोई चीज बना लीजिए। आपका हुकुम सर आंखों पर। अब आपने एक लिस्ट दी है तो मैं सोच रही हूँ मैं भी एक लिस्ट दे दूँ। थैंक यू लिस्ट ये मिल गया मोला। ये मिल गया मोला, इतनी बड़ी लिस्ट, मेरी इतनी सी लिस्ट के बदले आपका इतना बड़ा लिस्ट। ए भाई डील कैंसिल एकदम, मेरे को आपसे कोई डील नहीं करनी, मैं दल पे गुजारा कर लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आप दाल ही खा लीजिए, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए जो लिस्ट में चीजें लिखी है वो ले आइएगा। एक बी प्लाव है, एक न्यारी है नली वाली, एक पाए, एक बिरयानी है, एक कबाब है, एक रबड़ी है, एक खीर है, साथ में कोल्ड ड्रिंक से हुसैनाबाद से। कुलसुम क्या कह रही है? कुलसुम ठीक कह रही है कुलसुम, और ये लिस्ट पकड़े, इसमें से एक भी आइटम कम नहीं होना चाहिए। ए भाई देखा देखा, इसलिए मैं अमीर नहीं होना चाहता क्योंकि अमीर होने में बहुत खर्चा है। जमीन पे बैठ के चाय पी लेते हैं। आदम खोर मनुष्य, जब मैं जक्कू को खा सकती हूँ ना सासुमा, तो फिर आपका खून भी पी सकती हूँ। चल माल डीला कर। ए भाई इसको तो अंदर रख लो, माल के साथ और भी कोई डीला हो रहा है। टाइम फोकट, निकल जल्दी निकाल। ऐसे कैसे? हाँ भाई पहले बैंक तक तो जाने दो। बस सबको छोड़ ये बता पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? यही पूछते करे तो मैंने आपको फोन किया है। जी सासुमा आज फिर दाल, क्योंकि आपका सौर बहुत हो चुका है, मेरा सौर अमीर हो चुका है, लिहाजा आप दाल ही खाएं। भले कुछ भी हो मैं दाल नहीं खाऊंगी। ओके ये तो और भी अच्छी बात है, मेरे को दाल पकाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड कुलसुमनी वेरी गुड, तेरे ना खाने से तेरा वेट कम होएगा और हमारा खर्चा बचेगा। शाबाश शाबाश। आज के बाद जकरित आप मेरे लिए बंज रोड से नली निहारी बिरयानी बीप कोरमा धारा कबाब रोगनी नान खीर कुल्फी
सब कुछ लेकर आएंगे तीन तीन बारी। अगर तूने बाहर से खाना तो मेरे छोकरे का खर्चा क्यों करवा रहे लिया? नाजुमा, इतना मेरे से मोहब्बत करती, मेरे को आज पता चला कि खुद अपनी जेब से खर्चा करने को तैयार है आप। जितनी तेरी खुराक है ना, एक बंदे के बस में नहीं है, पूरी कंपनी और जो तेरे को स्पॉन्सर करे, जाके किसी बाजार से बिरयानी फोड़ और हमारे लिए भी ले आ। लंगर फोड़ने से बेहतर नहीं की मैं आपका सर फोड़ने के बारे में गौर करूँ? ये तो मेरे पे अजाब लाना चाह रही है। सासू माँ, मेरे खाने ने पीने की जिम्मेदारी गैरों की नहीं, मेरे हस्बैंड्स की है। कल सूनी पहले तूने जक्कू को खाया, अब तू जाके जक्कू की दौलत खा, बल्कि जक्कू को खा ले मनुसड़ी, आदम खोर मनुसड़ी। जब मैं जक्कू को खा सकती हूँ ना सासू माँ, तो फिर आपका खून भी पी सकती हूँ। चुड़ैल औरत में क्या करूं? जिसके दादी ने बताया अपनी कौन खून पीते इंसानों का। अरे आ रहा है शिकार, आ रहा है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। ए भाई, मसला क्या है? इसकी इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाई है? भाई साहब कहाँ तक जा रहे हैं? मैं जरा बैंक तक जा रहा था। अरे खजी सुनने, भाई साहब बैंक तक जा रहे हैं। अच्छा खजी भाई को बताना है। खजी भाई सलाम अलैकुम। खजी भाई मैं बैंक तक जा रहा था, आपको कहाँ जाना है? मुर्दा घर? यार न मुझे कहीं जाना है न खजी ने कहीं जाना है। ए भाई तो रोका काहे को? हाँ ये बात तो सोचने वाली है। मैं समझ गया, आप लोगों की बाइक खराब हो गई है। अबे हमारी बाइक नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब हो गई है। चल माल डीला कर। ए भाई इसको तो अंदर रख लो, माल के साथ और भी कुछ डीला हो रहा है। टाइम फोकट, निकल जल्दी निकाल। ऐसे कैसे? हाँ भाई पहले बैंक तक तो जाने दो। अबे बैंक जाने से पहले जो माल अभी मिल रहा है उसको तो लूटने दे। चल बेटा खजी, शाबाश। भाई इसमें बहुत सारे नंबर है। भाईजान आप ऐसा करो, मेरा मोबाइल और अपना नंबर दे दो, जब मैं बैंक से पैसे निकाल लूंगा ना तो मैं आपको दे दूंगा। अबे खज्जी, इसने क्या हम लोगों को पागल समझा हुआ है? खज्जी भाई मैं आपकी मिन्नत कर रहा हूँ, भाई को समझाओ ना। चले काम करते हैं। समझ, तेरा मोबाइल मैंने अगवा कर लिया है, पैसे दे करके इसको छुड़वा लेना, ठीक है? इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा, मेरा मतलब है कि बहुत लॉस हो जाएगा भाई। तो फिर ज्यादा लॉस कम करने के लिए कैश दे जाना और अपना मोबाइल ले जाना। बात तो मैं समझ गया, लेकिन भाईजान मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? अपने नंबर पे कॉल कर लेना, मैं जहाँ पर भी हूँगा ना तुझे बुला लूंगा। सही है, लेकिन पुलिस को लाने की गलती किया ना तो अच्छा नहीं होगा। भाई मैं पागल हूँ क्या? आप में और पुलिस में सिर्फ यूनिफॉर्म का फर्क है। मैं एक दिन में दो दफा लुटना नहीं चाहता। अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ, ठीक है, दुआ करना मैं खेत से पहुँच जाऊँ। जामुला। अच्छा खजी भाई फिर मिलते हैं। चक्कू की बच्चे पैसे आए नहीं और यासिया सुरु आने दो, आज घर ऐसा हसर करूंगी ना मैं। लगता है पैसों का जुगाड़ हो गया दादा। हेलो हेलो, अबे तेरी आवाज जनाने से क्यों लग रही है? ये क्या हो गया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो पैदाई से जनानी हूँ। बेटा ये पिस्तौल असल में है ही ऐसी चीज, ये बड़े बड़े बंदों को ना दो मिनट में खुसरा बना देती है। क्या बकबक किए जा रहे हो आप? बस सबको छोड़िए, बता पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? यही पूछने के लिए तो मैंने आपको फोन किया है। अबे मुझे? ओ भाई बैंक तक तो तुझे जाना था। ए जक्कू प्लीज, पैसे मिल गए तो इसे फालतू में बहाने मत बनाइए प्लीज। अबे जक्कू कौन जक्कू? अच्छा, रोकड़ा मिलते पहले आवाज गई और अब याददाश्त भी चली गई है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मेरे ख्याल आएगा। माँ, ये मेरा जक्कू आ गया। जक्कू पीछे लाया तू? मैं आपको चेक चाहिए था ना? हाँ? मैं चेक ले आया हूँ, मैं चेक आपको फाड़ के दे दूंगा। जक्कू मेरे छोरा, मेरे डार्लिंग, मेरे प्यारे प्यारे। ए बस, मेरे से ज्यादा फ्री मत होना। पता था मेरे को जेब में थोड़ा सा रोकड़ा आएगा तो आप मगरूर हो जाएंगे। कैसा रोकड़ा? कहाँ का रोकड़ा? वही जो बैग में छुपाया था तुम लोगों ने मेरी नजरों से छुपा के। वही रोकड़ा जिससे सामान लाना था, मेरे को खाना खिलाना था। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये मिंजा मोला, किसी ने केस छीन लिया? माँ केस तो नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल छीन लिया जालिमों ने।
इसको क्या हुआ, लानत भेजो मोबाइल को। जिधर रोकड़ा आएगा तो मोबाइल पे मोबाइल आ जाएगा। ए रोकड़ा कहाँ से आएगा? ए वो बैंक का कागज किसी और के नाम पे था। ए नाम तो पढ़ लेते जाहिल। ए नाम किसी और का था, सिर्फ एड्रेस हमारा था। ओ माय गॉड, इतना बड़ा लॉस। और वो जो मेरे मोबाइल का लॉस हुआ वो क्या? वो मेरा प्रॉब्लम्स नहीं है। निंजा मौला कैसी बाइड़ी है जिसको अपने शोर के लॉस का फिक्र ही नहीं है। शोर के लॉस का क्यों फिक्र हो? जब शोर को बाइड़ी के लॉस की फिक्र नहीं तो बाइड़ी को भी शोर के लॉस की फिक्र नहीं। पहले हमारा जीना माल किया, मेरे छोकरे को कंगाल किया। कंगाल मैंने कहा से किया? तेरा बेटा कौन सा मुगल के खानदान से पैदा हुआ था? तेरा कंगला पहले दिन से पुअर पुअर। अकबर बादशाह मामू था इसका रिश्ते में। बैठो ना कर मनमानी।